अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट बजट बना लिए हैं। सेल्स बजट हमने बनाना सीख लिया है। शुरुआत सेल्स बजट से होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि प्राइमरी बजट है, सारे अदर बजट का मदर बजट बोल सकते हैं, पेरेंट बजट बोल सकते हैं, वो है सेल्स बजट। सेल्स एक बार डिसाइड हो जाए उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन शुरू करते हैं। प्रोडक्शन ऐसे कैसे हो जाएगा, प्रोडक्शन को करने के लिए तीन किस्म की चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर वन मटेरियल चाहिए होता है, नंबर टू हमें लेबर चाहिए होते हैं, नंबर तीन हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उनका भी बजट बनाना पड़ता है। और जब ये सारा काम तैयार हो जाता है उसके बाद फिर देखते हैं फाइनेंस की क्या पोजीशन है। फाइनेंस की पोजीशन के लिए जो बजट बनता है वो होता है कैश बजट। तो अब जो हम बजट बनाने वाले हैं उसके लिए इसका मतलब हमें पांच बजट से डेटा चाहिएगा। सेल्स का डेटा हमें चाहिए, प्रोडक्शन का डेटा चाहिए, प्रोडक्शन का सीधा डेटा नहीं चाहिए, प्रोडक्शन के ऊपर एक्चुअल में डिपेंडेंट जो फैक्टर है उनका डेटा चाहिए कि मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, ओवरहेड कितने होंगे। उसके अलावा कुछ अदर ट्रांजैक्शन है, लाइक आपने हो सकता है कोई मशीन कभी खरीदी हो सकता है आपने कैन में कभी डिविडेंड की पेमेंट करनी है, इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है, ये सारे भी तो फाइनेंस के ही मैटर हैं। तो कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की भी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम बनाएंगे अपना कैश बजट। ठीक है, अच्छा, कैश बजट का जो मेन जो बनाने का कंसेप्ट है वो सिर्फ आपको दो टाइप के कैश ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिनमें कैश है। ऐसी कोई भी घटनाएं बिजनेस में घट रही है जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है उनको बिल्कुल सिरे से नकार देना है, उसका कुछ करना ही नहीं है, अनदेखा कर देना है। और जो भी कैश के डील है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना है, आ कहां से रहा पैसा और जा कहां पे रहा, इनफ्लो और आउटफ्लो। बस दो टाइप के कैश फ्लोज आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उनको एक स्टेटमेंट में भर देना है जिसको हम क्या नाम देंगे, कैश बजट। और ये सारा का सारा बजट है, बजट माने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का सिर्फ एक पूर्वानुमान है। ऐसा सच में हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि ऐसा ऐसा होने की संभावना है। तो हमारे पास कैश की क्या पोजीशन हर महीने के आखिर में बचेगी वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या है कि अगर आपको लगे कि किसी महीने में फ्यूचर में कैश नेगेटिव हो रहा है तो आप उस महीने के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया था अगर इमरजेंसी के अंदर तुम जाओगे पैसे मांगने तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। लेकिन अगर पहले से हमें आइडिया है कि भाई फलां डेट को हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी और पहले से हमने कहीं से बातचीत कर रखी है तो हमें कम रेट पे, हम बार्गेनिंग करके कम रेट के ऊपर डील फाइनल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगे कहीं पे कि किसी महीने में पैसे फालतू हो जाएंगे तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा फालतू पड़े कोई काम नहीं आता, कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी प्लानिंग पहले से एडवांस में की जा सकती है। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब आपको आइडिया लगे कब हमारे पास शॉर्टेज होगी और कब हमारे पास एक्सेस सरप्लस कैश अवेलेबल होगा, ताकि हम पहले से उसकी प्लानिंग कर सकें। ठीक है, तो कैश बजट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। और इसका बनाने का तरीका क्या होता है उसको समझने के लिए आपकी बुक से ही क्वेश्चन कराऊंगा। पेज नंबर 450 पर इलस्ट्रेशन नंबर 11.9 है जिससे हम इसको समझेंगे कैसे बनाना है इसको। इसके अंदर मेन जो हमारा डेटा होगा उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप के अंदर उसे कन्वर्ट कर लेना है कि इनफ्लो ऑफ कैश क्या है और आउटफ्लो ऑफ कैश क्या है। यहाँ पर तीन महीने का बजट बनाने के लिए बोला गया है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे रियलिटी में क्या घटनाएं घट रही हैं। फिर उसके बाद तीन महीनों की बात की गई है, इसमें लिखा है प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मे जून एंड जुलाई, मई जून और जुलाई के लिए हमें बजट बनाना है। तो मे जून एंड जुलाई, बस ये तीन महीने की हमें जानकारी यहां पे शो करनी है, मई जून एंड जुलाई। ऊपर लिखेंगे क्या बना रहे हैं, ऊपर लिख देंगे हम बना रहे हैं कैश बजट बना रहे हैं। अब कैश बजट बनाने के लिए सबसे पहले इनफ्लो आउटफ्लो तो बात की बात है, पहले ये देख लेना जेब में भी फिलहाल पैसे कितने पड़े हैं, स्टार्ट किया तो हमारी जेब में कितने पैसे थे, जिसे हम बोलते हैं क्या, ओपनिंग बैलेंस, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था। फिर उसके बाद इस ओपनिंग बैलेंस में क्या करेंगे, इनफ्लो को ऐड करेंगे, कहां कहां से पैसा हमारे पास आ रहा है वो सारे के सोर्सेज इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कैश इनफ्लोस, जिसको आप बोल सकते हैं रिसीट्स, कि पैसा आएगा कहां कहां से, पहले ओपनिंग बैलेंस फिर कैश की रिसीट्स। अब वो पढ़ लेते हैं कितनी की रिसीट्स होने वाली है। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो एक पूरी टेबल बनाई हुई है जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिट सेल हमारी हुई है, क्रेडिट सेल से इनफ्लो होगा और क्रेडिट सेल के अंदर थोड़ा समय लगता है लेकिन पैसा आ जाता है, तो ये इनफ्लो की पहली एंट्री है। फिर क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज आपके कैश का आउटफ्लो करवाएगा, पैसा आपका यहाँ पे जाएगा, पहले इनफ्लो को छांट रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर वेजेस, ये भी आपका कैश का आउटफ्लो होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैश का आउटफ्लो होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस कैश का आउटफ्लो होगा,
और सेलिंग एक्सपेंस में भी कैश का आउटफ्लो होगा, सारे आउटफ्लो है, सिर्फ एक ही इनफ्लो की एंट्री मिली है, वो है क्रेडिट सेल। नीचे भी लिखा है कैश का बैलेंस 1st of May हमारे पास 8,000। लो जी, स्टार्ट करने के लिए आपको पहले बता दिया उसने कि कितना हमारे पास कैश बैलेंस अवेलेबल है। मई का महीना जब शुरू होगा तो हमारे पास पहले से 8,000 है। अब देखते हैं एड ऑन कितना आने वाला है। एक तो हमें पता चल गया क्रेडिट सेल से पैसा मिलेगा। इसमें फिर नीचे लिखा है प्लांट कॉस्टिंग 16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई, पेबल 10% डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। हमने एक प्लांट खरीदा है जिसकी हमें जुलाई में डिलीवरी मिलेगी और डिलीवरी लेते समय में 10% पैसा देना पड़ेगा, बाकी पैसा हम 3 महीने के अंदर पे करेंगे। तो हमें एक एक्स्ट्रा पेमेंट आउटफ्लो के लिए मिली है जो कि रूटीन ट्रांजेक्शन के अलावा है। रूटीन ट्रांजेक्शन ऊपर टेबल में दे दी, अदर ट्रांजेक्शन जो कभी कभी होते हैं उनकी डिटेल नीचे आ रही है, तो हमें पेमेंट मिली है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एडवांस टैक्स 8,000 पे पेबल इन मार्च, मार्च के महीने में पेबल है और फिर जून। भाई मार्च का तो हम बना नहीं रहे, लेकिन जून वाली स्टेटमेंट जब बनेगी तो उसमें हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, इसके अंदर है 2 मंथ और कस्टमर 1 मंथ। हम जो टाइम लेते हैं पेमेंट करने का, मतलब जो हमें उधार माल मिलता है वो 2 महीने के लिए मिलता है और जो कस्टमर को हम टाइम देते हैं वो 1 महीने, मतलब जो सामान आप आज बेचोगे उसका पैसा आपको 1 महीने बाद मिलेगा। ये आपके इनफ्लो की टाइमिंग बदल देगा। उसके बाद फिर इसके अंदर लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1/2 मंथ और लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस 1 मंथ। सारा कुछ पढ़ लिया, पता चला सिर्फ कलेक्शन की एक ही सोर्स मिला पूरे क्वेश्चन के अंदर, कैश सेल्स भी नहीं है, सिर्फ एक ही सेल्स है, कौन सी? क्रेडिट सेल, जिसका पैसा भी 1 महीने बाद मिलता है। चलो, तो क्रेडिट सेल से जो पैसा मिलेगा वो रियलिटी में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कहलाएगा। अगर कैश सेल्स होता तो उसी वक्त पैसा मिल जाता, अब उधार माल बिक गया तो उसे क्या बोलेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कितना टाइम लगेगा, 1 महीने का डिले है इसके अंदर। अच्छा, फिर ये आप अगर ऐड कर लें दोनों को, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स, तो आपके पास टोटल हो जाएगा एक, जिसको हम ए का नाम दे देते हैं। फिर ये जो टोटल होगा उसमें से आपको क्या शुरुआत करनी पड़ेगी? पेमेंट्स शुरुआत करनी पड़ेगी। पेमेंट कहाँ कहाँ पे होगी? पेमेंट तो बहुत सारी जगह पे होगी, बहुत सारे नाम इसमें आए हैं। सबसे पहले पेमेंट तो हमें परचेज की करनी पड़ेगी जो कि पेमेंट टू सप्लायर कहलाएगी, पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा इसके अंदर कहाँ पे हमें पेमेंट करनी है? उसके अलावा वेजेस की पेमेंट करनी है, उसके अलावा इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, उसके अलावा इसमें ऑफिस एक्सपेंस है, और उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो कभी कभी वाली पेमेंट है उनके नाम गिनाए जा रहे हैं, जिसमें हमने प्लांट परचेज किया है उसकी पेमेंट है, प्लांट इंस्टॉलमेंट, और उसके अलावा हमें एडवांस टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स, ठीक है। इतनी सारी पेमेंट हमें करनी है, और अगर इस पेमेंट को मैं ऐड कर लूँ तो इसे बोल सकता हूँ टोटल, फिर से जो कि बी होगा, इतनी पेमेंट कलेक्शन की है, सॉरी इतनी एंट्री कलेक्शन, इतनी पेमेंट किया, तो अगर मैं इस कलेक्शन में से पेमेंट घटा दूँ तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बढ़ सकता है जो कि क्या होगा रियलिटी में? ए माइनस बी, ठीक है। अब चलिए इसमें डेटा भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट सेल इसने दी है जो कि है 60,000 मार्च के महीने की। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझ लेना, जब हम कैश वे बनाते हैं तो ट्रांजैक्शन किस महीने में हुआ उससे में कोई वास्ता नहीं है, उसका पैसा जिस महीने मिलेगा वास्ता उससे। अब क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि क्रेडिट सामान जो बिकता है वो उसकी पेमेंट 1 महीने बाद होती है। आज माल बेचूंगा, आज कुछ नहीं मिलेगा, आज तो ठनठन गोपाल, कब मिलेगा पैसा? 1 महीने। तो आज जो माल मेरा 10,000 का बिका उसको मैं आज की एंट्री नहीं मानूंगा, 1 महीने आगे की एंट्री मानूंगा, और 1 महीने के बाद जो भी मंथ होगा उसमें शो करूंगा। सेल्स की एंट्री मानता हूं मैं, ये कब होगी है? पहली एंट्री मार्च की, लेकिन ये मेरे लिए कैश बजट में मार्च की एंट्री नहीं मानी जाएगी। कब की एंट्री मानी जाएगी? अप्रैल की एंट्री मानी जाएगी। भाई ये पैसा अप्रैल में मिलेगा तो मैं अप्रैल के अंदर शो करूंगा इनफ्लो के अंदर, ठीक है। और अप्रैल तो मुझे बनाना भी नहीं है, तो अगर मार्च अप्रैल बन गया तो बताओ अप्रैल क्या बन जाएगा? मई। एग्जाम में जब हो तो बस आपको एक स्टार्टिंग का टिक मार्क लगाना है कि भाई कहां से मेरे को गिनना शुरू करना है। तो मैंने यहां पे किसको टिक मार्क कर देना है? अप्रैल वाले 62,000 को टिक मार्क कर देना, भाई ये गिनती में पहली बार आएगा, और इसमें 62,000 पे मैं यहां पे लिख दूं। फिर अगली एंट्री अगले महीने में आएगी, सीधी सी बात है। तो जो अगला अमाउंट है वो कितना है? 64,000, और उसके अगला अमाउंट कितना है? 58,000। अप्रैल मई बन जाएगा, मई जून बन जाएगा, जून जुलाई बन जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका तो अगला महीना सरकता चला जाएगा। आपको बस स्टार्ट कौन सी फिगर से करना है वो आपको मार्क करना है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है। जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे महीनों में आ रही है, जिसका हम बजट नहीं बना रहे, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं पेमेंट के अंदर।
क्रेडिट परचेज, क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कि सप्लायर हमें कितने दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 महीने का। तो अगर हमने ये मार्च में सामान खरीद लिया तो उसकी पेमेंट अप्रैल में भी नहीं करेंगे, 1 महीना ही हुआ अभी, तो कब करेंगे, मई में। तो इसकी पहली फिगर कोई टिक मार कर ले, तो पहली फिगर जो 36,000 रुपए मार्च की थी हमारे लिए मई की मानी जाएगी। तो लिखना शुरू कर दीजिए, पहली पेमेंट हम जो करेंगे वो 36,000 की मार्च वाली करेंगे, तो अगली पेमेंट हो जाएगी 38,000 और उससे अगली पेमेंट हो जाएगी 33,000, बाकी फिगर यूजलेस है हमारे लिए। टाइमिंग को आपको बस ध्यान देना, घटना कब घटी है उससे कोई वास्ता नहीं है, डील कैश पे इफेक्ट कब करेगा उसके ऊपर ध्यान देना। चलिए अगली एंट्रीज में वेजेस, वेजेस के लिए नीचे लिखा था कुछ इसके अंदर, वेजेस के लिए देखिए तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसके अंदर सिर्फ 2 खर्चों के बारे में टाइम गैप बताया गया है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हाफ मंथ और दूसरा ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस 1 मंथ, जिनके लिए वो कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देगा मान के चलेंगे उसी में सिर्फ फर्क है, वरना जोन सा महीना उसी का डील है। जब तक वो क्लियर ना करें कि कोई गैप है, कोई डिले है, कुछ अर्ली पेमेंट हो रही है, तब तक हमारे लिए जोन सा महीना उसी की एंट्री। तो वेजेस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं उसने, तो मार्च की पेमेंट मार्च में होगी, अप्रैल की पेमेंट अप्रैल में होगी और मई की पेमेंट मई में होगी। तो 10,000 की जो फिगर है उस पर मार्क कर लीजिए, पहले 10,000 होगा, फिर 8,500 होगा और उसके बाद फिर 9,500। आपने कुछ बताया नहीं कि देर से करते पेमेंट, तो जोन सा महीना उसी समय पेमेंट। अगली पेमेंट किसकी है भाई, मैन्युफैक्चरिंग, इसकी वर्किंग करनी पड़ी क्योंकि आधे महीने का डिले है, पूरे महीने का डिले होता वर्किंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन आधे महीने का डिले वर्किंग कराएगा, अभी थोड़ी देर में करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस की बात करें, ऑफिस और सेलिंग दोनों में 1-1 महीने का डिले, तो मार्च वाले की पेमेंट कब होगी, अप्रैल में, हमें नहीं चाहिए अप्रैल, हमें तो मई वाली चाहिए, तो अप्रैल की पेमेंट कब होगी, मई में। तो अप्रैल वाली फिगर जो 1500 है इस पर निशान लगा लीजिए, और यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस में 1500 रुपये, फिर उसके बाद 2500 रुपये और उसके बाद फिर 2000 रुपये आ जाएंगे, और सेलिंग एक्सपेंस में कितने आ जाएंगे, उसमें भी 1 महीने का डिले, तो जो अप्रैल वाली 5000 रुपये की पेमेंट है वो मई में हो रही होगी, तो पहले 5000 रुपये, तो अगले महीने हो जाएंगे 4500 रुपये और उससे अगले महीने हो जाएंगे 3500। बस स्टार्टिंग मिल जाए, उसके बाद तो फिर कॉपी पेस्ट है। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंस की बात कर लें, प्लांट इंस्टॉलमेंट, प्लांट हमने 16,000 का खरीदने, जुलाई में डिलीवरी है लेकिन, तो मई जून जुलाई यहाँ पर डिलीवरी है भाई, जब डिलीवरी लेंगे तो पैसे देंगे, जितने की मर्जी चीज खरीदो उससे वास्ता नहीं है, पैसे कितने यूज होंगे, कह रहे जी उस समय डिलीवरी के वक्त तो सिर्फ 10% पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 16,000 का 10% कितनी पेमेंट होगी, सिर्फ 16, ठीक है। और कह रहे जी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी करते हैं 8,000 रुपए की, कब कब करते हैं, मार्च तो हमें वास्ता नहीं मार्च से, और कब, जून में, जून हमारे इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 8,000 की पेमेंट होगी, क्लियर है। सिर्फ एक एंट्री हमारी छूट गई, हमारा बजट रेडी हो जाएगा। किसकी एंट्री छूट गई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये भी इसलिए छूट गया क्योंकि आपने फ्रैक्शन दे दिया, अगर 1 महीने का डिले देते तो मैं फटाफट कर देता, 1 महीने अगर वो ये भी बोले ना एडवांस पेमेंट करते हैं तो काम होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे अच्छा मार्च में अगर काम कराने तो पैसे कब देने पड़ते हैं उसके, फरवरी में देने पड़ते हैं, तो मार्च के खर्चे को फरवरी में जोड़ देंगे। अच्छा जून में काम कराने तो उसके पैसे कब देने पड़ेंगे फिर एडवांस पेमेंट, तो मई में, तो जून में जो पेमेंट है उसे मई से लेना शुरू कर देंगे, टिक मार्क करेंगे उसके, तो आगे कॉपी पेस्ट होता चले, तो डिले भी हो सकता है अर्ली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ गई, क्या करें, आधा महीना, कोई बात नहीं, आधा महीने का 50%, आधे महीने का मतलब क्या हो गया 50%, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और किसी के लिए जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस के लिए जरूरत पड़ रही क्योंकि आपने आधा महीने डिले कर दिया। कौन कौन से मंथ इसमें आ रहे हैं, मंथ बहुत सारे उसने बताए, मंथ मार्च से बात बतानी शुरू कर दी उसने, तो मैं सारे लिख देता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, वैसे इतनी जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए सारे मंथ ही लिख लिए, बताइए टोटल अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट वो बता रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर है 4000, फिर उसके बाद है 3000, फिर 4500, फिर 3500, नेक्स्ट इज 4000, लास्ट इज 3000, ठीक है जी। जब वो बोलते हैं ना 50%, हाफ मंथ का मतलब 50%, हाफ का मतलब 50%, तो जो उसने बोला है उसको एक पार्ट बना दो, बचे हुए को दूसरा पार्ट बना दो, तो यहाँ पे 50% अलग और बाकी कितना बचेगा भाई, बाकी भी 50% ही बचेगा। अगर बाई चांस उसने बोला होता वन वीक और नीचे ये भी लिखा होता है, नॉर्मली नहीं भी लिखा हो तो मान लेना वन वीक का मतलब होता है 1/4 ऑफ द मंथ,
क्योंकि राउंड फिगर में 4 हफ्ते ही बोले जाते हैं, 1 महीने में 4 हफ्ते, वैसे कुछ फालतू दिन होते हैं, लेकिन राउंड फिगर में जब बात चलती है तो बोलते हैं भाई 1 महीना 4 हफ्ते का होता है और 1 वीक का मतलब होता है 25%। तो अगर उसने बोला था 1 वीक का डिले है तो हम क्या मानते कहते थे 25%, तो जो बैलेंस बच गया वो अलग हो जाएगा 75%। यहाँ पे तो 50-50 के दोनों सेम बन जाएंगे। इन रकमों को 50-50 में डिवाइड कर दे तो ये 2000 और 2000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1500 एंड 1500, ये हो जाएगा 2250 2250, ये हो जाएगा 1750 एंड 1750, 2000 एंड 2000 और 1500 एंड 1500, क्लियर है। अब उसने बोला है हाफ मंथ का डिले, अब इसको ऐसे समझो मैं यहाँ पे कुछ महीने लिखा देता हूँ, से हमारा ये पहला महीना इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा है मार्च, फिर अगला कौन सा आएगा अप्रैल, और उसके बाद फिर मई, ऐसी आएंगी ना, ये हमारे पूरे पूरे महीने हैं। इस महीने का टोटल खर्चा कितना था, टोटल खर्चा था 4000, लेकिन हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2000 और 2000, यही तो लिखा है भाई, टोटल पूरे महीने का खर्चा तो 4000 है लेकिन हमने इसको 50-50% डिवाइड किया। अगले महीने का टोटल खर्चा कितना है 3000, जिसको हमने 50-50 डिवाइड करे तो कितना कितना हो गया 1500 और 1500, और फिर 50-50 डिवाइड कर दे कितना 2250 और 2250, जो उसने बोला उतना ही खर्चा लिखा है, महीने का खर्चा तो उतना ही है लेकिन इसमें आधे महीने का डिले चल रहा है। आधे महीने का डिले का मतलब समझे, ये जो फर्स्ट हमारे हाफ पीरियड के अंदर काम होगा, इतना जो काम होगा, काम तो हमने अब कराया लेकिन इसकी पेमेंट हम यहां पर करेंगे, और ये जो काम होगा उसकी पेमेंट हम कब करेंगे, उसकी पेमेंट यहां पे करेंगे, और ये जो काम होगा उसकी पेमेंट भी हम यहां पे करेंगे, और ये जो काम होगा इसकी पेमेंट यहां पे करेंगे, ऐसे चलेंगे हमारी सारी पेमेंट। काम कराएंगे अगले हाफ के अंदर उसकी पेमेंट कर दे, काम कराएंगे अगले हाफ में उसकी पेमेंट कर देंगे, क्लियर है। अब जो देखते हैं पेमेंट के मामले में हमारा कौन सा पीरियड एक महीने के अंदर आ रहा है। अब बात अप्रैल की करते हैं, अप्रैल में देखो तो तुमने क्या कराया होगा, अप्रैल के अंदर एक पेमेंट तो आपको ये वाली करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, एक पेमेंट ये वाली भी करनी पड़ेगी, ये वाली पेमेंट इसमें नहीं आएगी, अगले में आएगी, मतलब समझे भाई, जो फर्स्ट पेमेंट है वो तो आपको सेम मंथ की करनी है, और हाफ जो फर्स्ट हाफ जो पेमेंट है वो किसकी करनी है, लास्ट मंथ की करनी है, आधी पेमेंट पिछले महीने की और आधी पेमेंट इस महीने की, क्लियर है बात समझ में आ गई है। ये वाला जो फर्स्ट हाफ का पेमेंट है वो तो सेकंड हाफ में आएगा तो सेम मंथ में आएगा, लेकिन हाफ पेमेंट आपको किस वाले की करनी है, पिछले महीने की करनी है। इसको आसान भाषा में बोलूं तो सबसे पहले ये पेमेंट फर्स्ट हाफ तो आप सेम मंथ ले लो, जीरो मंथ में डिले करो, आधी पेमेंट तो उसी महीने होगी, जो उनसा महीना चल रहा है उसी में, और आधी पेमेंट पीछे से आएगी, तो आधी पेमेंट को मैं लिख देता हूं जी ये 1 मंथ के डिले पे आएगी, वैसे 1 मंथ का डिले नहीं है, डिले चाहे एक दिन का हो, कैलेंडर में महीना तो दूसरा हो जाता है। मैं कहता हूं भैया तुम्हारी पेमेंट 31 जनवरी के अंदर आ जानी चाहिए, तुमने किसी वजह से सिर्फ एक दिन का डिले किया, 31 जनवरी की बजाय कब दोगे पेमेंट। अब अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा जनवरी की तो उसमें तो पेमेंट नहीं आएगी ना, तुमने डिले सिर्फ एक दिन का किया लेकिन मेरा तो महीना बदल गया, जनवरी किसमें बदल गया, फरवरी में। तो ध्यान रखना दिन इस जिस हिसाब से उससे महीना एक महीने का डिले एक महीने का नहीं है लेकिन हमारे मंथ के अंदर चेंज, हमारे तो एक दिन से महीना बदल जाता है, यहाँ पे तो 15 दिन है, तो हमें क्या करना है, अब आसान हो गया, हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली ना वही 50% सेम मंथ और 50% पिछले महीने वाली, तो इसके अलावा मई वाली पेमेंट यहाँ पे मई वाली पे होगी, सेम मंथ है, आधे पैसे तो उसी देंगे, ये 3 पेमेंट होंगी, और इधर से लूंगा भैया पिछला जो अप्रैल था उसकी, और फिर ये 3, ऑब्वियसली 1 महीने पीछे से शुरू हुआ तो 1 महीने पहले खत्म हो जाएगा, क्लियर है बात समझ में आ गई। अब मुझे ओवरऑल बताओ इन द मंथ ऑफ मे कितनी पेमेंट आएगी, आप कहोगे सर टिक के हिसाब से आप देखोगे तो ये वाली सारी की सारी पेमेंट किसके महीने की बन रही है, मई के महीने की बन रही है सारी की सारी पेमेंट, और दोनों को जोड़ू तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ू तो हो जाएगा 3750। फिर अगली पेमेंट 1750 तो ये और 2250 वो, तो दोनों को मिला लेके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। और तीसरी पेमेंट के अंदर ये देखो 2000 तो ये हो जाएगा और 1750 ऊपर से भी आए तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 3750।
क्लियर बात समझ में आ गई है कैसे हमने किया इसके अंदर? अभी थोड़ी देर में इसको और एक बार दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल अब इसके अंदर आंसर निकाल सकते हैं। पहले अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 70,000 हो गया, और ये सारी पेमेंट का अगर हम टोटल चेक करेंगे तो सारी पेमेंट का टोटल आ रहा है 56,250। तो 70,000 में से 56,250 माइनस कर दे तो 13,750 बच जाएगा। चल यहाँ से जो बात खत्म होगी, इस महीने जो बैलेंस बच जाएगा उसको क्या करेंगे, गटर में थोड़ी फेंक देंगे, कहेंगे अगले महीने काम आएगा। यहां से ले जाएंगे ये बैलेंस उठा के यहाँ पे 13,750, शुरुआत यहाँ से होगी। नया पैसा आएगा उसको ऐड करें कितना हो जाएगा, 77,750। खर्चे अगले महीने कितने होने वाले हैं, खर्चे अगले महीने होने वाले हैं हमारे 65,500, और ए माइनस बी करने पे बचेगा बैलेंस 12,250। जो यहाँ पर बैलेंस बच गया क्या करेंगे उस बैलेंस का, हम कहेंगे उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12,250 प्लस कर दें बाकी का अमाउंट, तो हो जाएगा 70,250, और पेमेंट हमारे होने वाली है 53,350, और बैलेंस बचेगा 16,900। तो कहीं पे भी हमारे को ओवरड्राफ्ट नहीं निकला, सब जगह बैलेंस पॉजिटिव है। थोड़ा सा बस इसके अंदर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दो, बाकी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। इसके अंदर और भी जो पॉइंट हो सकते हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक मैं कहूँ कि इसमें वन वीक का डिले बोलता हूँ, वन वीक का डिले बोलता तो मतलब क्या होता है इस बात का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर वन वीक का डिले बोलता है वो, वन वीक के डिले होने का मतलब है महीना जो होगा हमारा उसके चार हिस्से कर दिए जाएंगे, नहीं 1, 2, 3 एंड 4। अब वन वीक डिले का मतलब ये जो फर्स्ट वीक है उसकी पेमेंट सेकंड में हो जाएगी, सेकंड की कब हो जाएगी, थर्ड में, थर्ड की हो जाएगी फोर्थ में। अगर ध्यान से देखें तो ये 75%, क्योंकि तीन हिस्से आ गए, 75% सेम मंथ में निकल गया, ठीक है। मैं बोलूंगा कि अभी ये 75% तो जीरो मंथ, चाहे आप 7 तारीख की पेमेंट 8 तारीख को करो, चाहे 15 तारीख की पेमेंट 16 तारीख को करो, महीना तो वही गिना जाएगा। लेकिन ये जो लास्ट वीक है वो ध्यान से देखे तो वो अगले में चला जाएगा, तो इसका मतलब इसको क्या बोलूंगा भैया, बचा हुआ 25% कब आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में। तो जब मैं यहां पे स्टेटमेंट बनाऊंगा तो लिखूंगा भैया 75% जीरो मंथ, 25% वन मंथ। अब दिन तो भैया सिर्फ 7 दिन का है, लेकिन हमारा तो महीना 1 दिन के बाद भी बदल जाते हैं, तो वन वीक डिले में स्टूडेंट बोलती है कि सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वो ये तो समझ जाते हैं कि अच्छा वन वीक का मतलब 25, 75, लेकिन वन वीक डिले के अंदर वो वन वीक को जीरो मंथ में रखते हैं और 3 वीक्स को वन मंथ में, जबकि हमारे 3 वीक्स सेम मंथ में आ रहे हैं, जस्ट वन वीक डिले। तो वन वीक डिले मीन 75% यहां पे होता है वो जीरो मंथ। वो इवन कुछ भी बोल सकता है, वो कह सकता है कि जो हमारा डिले 10 दिन का होता है, हम 10 दिन के बाद पैसे देते हैं। अब जो 10 दिन के बाद अगर मैं पेमेंट करूं, यहीं पर अब 10 दिन की बात अगर करूं, तो मतलब 3 टुकड़ों में महीने में पेमेंट होगी, 3 टुकड़ों में होगी पेमेंट। ये वाली पेमेंट यहां पे होगी, ये वाली पेमेंट यहां पे होगी, बट ये वाली पेमेंट अगले महीने में जाएगी। तो इसका अलावा 2/3 जीरो मंथ के डिले पे और 1/3 वन मंथ के डिले में। तो आप 2/3 का एक कॉलम बनाएंगे जीरो मंथ, और 1/3 का दूसरा कॉलम बना देंगे जो कि है तो 10 दिन लेकिन गिना जाएगा 1 महीने के डिले पे। क्लियर है सारी बातें, कंप्लीट है फिर।